दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं $99 यानी ऑलमोस्ट 8000 रुपए के 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो मेरे लिए क्वालकॉम कंपनी की तरफ से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी OEM के साथ पार्टनरशिप करके यहां पर किया जाने वाला है। दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे बड़े अगर मैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करता हूँ वो है क्वालकॉम। आपको पता है क्वालकॉम की तरफ से जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर हर एक फ़ोन के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है। मेनली एक फ़ोन का जो ब्रेन माना जाता है प्रोसेसर वो क्वालकॉम कंपनी यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन भारत का इतना बड़ा मार्केट को मद्देनजर रखते हुए सबसे अफोर्डेबल अगर मैं 5G स्मार्टफोन की बात करता हूँ वो बनाने के लिए क्वालकॉम यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि सिर्फ $99 का 5G स्मार्टफोन के यहाँ पर लॉन्च किया जाए। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज से 2 साल पहले यानी 2022 साल के अंदर जियो कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था जहां पर भारत के अंदर सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाए और उस जगह के अंदर जियो कंपनी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया था, जिसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर है। ये जो जियो फोन नेक्स्ट है सबसे पहले तो 6500 रुपये के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन का प्राइस कम होकर 4000 रुपये कर दिया गया, क्योंकि तब के टाइम के अंदर जब कोरोना टाइम चल रहा था सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिस कारण से प्राइस को थोड़ा हाई रखा गया था लेकिन बाद में उसे कम कर दिया गया। लेकिन क्वालकॉम जो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मेरे लिए कोशिश कर रहा है कि सिंपली भारत के मार्केट को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा चीप को यहाँ पर डेवलप किया जाए, एक ऐसा प्रोसेसर को यहाँ पर डेवलप किया जाए जो मेरे लिए सबसे कम प्राइस के अंदर डेवलप किया जाए और जो मेरे लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मतलब कोई भी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके वो मेरे लिए भारत के अंदर सबसे सस्ता जिसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट $99 यानी ऑलमोस्ट 8000 रुपए यहाँ पर रहने वाले हैं जो मेरे लिए लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। आज के डेट के अंदर अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे कम प्राइस के अंदर पोको की तरफ से कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है जहाँ पर ऑलमोस्ट 10000 रुपए प्राइस पॉइंट के अंदर आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाते हैं। लेकिन उसका अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ या परफॉर्मेंसेस की बात करता हूँ वो उतना हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालकॉम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा स्मार्टफोन को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए जिसका प्राइस कम होने के साथ साथ लोगों को ऐसे यानी स्टैंडर्डलोन आर्किटेक्चर 5G भी यहाँ पर मिले, उसी के साथ वो मल्टीटास्किंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर पाए, वो ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो कि वो काफ़ी कम प्राइस का यानी बजट सेगमेंट का कोई 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों हो सकते हैं कि क्वालकॉम के साथ रिलायंस जियो का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर हो, क्योंकि ऑलरेडी क्वालकॉम जियो के साथ पार्टनरशिप करके काफ़ी सारा काम यहाँ पर कर लिया है। एक बहुत ही बड़ा संभावना है कि जियो के साथ क्वालकॉम यहाँ पर पार्टनरशिप करे, जिस कारण से जियो कंपनी की तरफ से उनका जो नेक्स्ट जियो फोन का जो सीरीज यहाँ पर आने वाला है जहाँ पर मेनली सबसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन देने का जो वादा जियो कंपनी की तरफ से काफ़ी साल पहले यहाँ पर किया गया था उसे यहाँ पर साकार किया जाए। सिर्फ यही नहीं, जियो कंपनी की तरफ से पहले ही बताया गया कि भारत को 2G मुक्त करना है, और 2G मुक्त अगर करना है तो इसके अंदर जो भी मेनली 2G और 3G ग्राहक है उनके पास एक स्मार्टफोन को अगर दे दिया जाए तो वो मेनली 4G और 5G सिम कार्ड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन का प्राइसिंग जो है वो आज के डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से जियो कंपनी ये कोशिश कर रही है कि सबसे कम प्राइस के अंदर एक 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाए जिसके अंदर 4G 5G दोनों टाइप ऑफ एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर मिल पाए। हालांकि जियो फोन नेक्स्ट जो है वो एक मतलब फ्लॉप फोन रहा है, क्योंकि जियो फोन 1 का जो सक्सेस है उस सक्सेस को किसी भी तरीके से वो बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके रिलायंस जो कंपनी अपने 5G अफोर्डेबल फोन को लॉन्च कर पाते हैं तो भारत के अंदर जो 300 मिलियन यानी 30 करोड़ जो लोग हैं जो अभी तक अपने सर्विसेज को 2G और 3G के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो मिले अपने सर्विसेज को 4G और 5G के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे, नंबर 1 जियो का सेल तो यहाँ पर बढ़ेंगे ही, प्लस उनका जो ARPU है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। रिलायंस जो ऑलरेडी भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए अपने भारत सीरीज का फोन को लॉन्च किया जहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये के अंदर आपको 4G कनेक्टिविटी वाला फोन यहाँ पर मिल रहा है अपने भारत सीरीज के अंदर। ऑलमोस्ट 3 फोन को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है रिलायंस जो कंपनी की तरफ से, हालांकि वो फीचर फोन है लेकिन उसके अंदर भी आपको काफी स्मार्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाते हैं जहां पर आप UPI ट्रांजेक्शन वो सारे फोन के अंदर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी जियो कंपनी की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है। अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर रिलायंस जो कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके ये कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपको क्या लगते हैं, क्या ये जियो फोन नेक्स्ट की तरफ फ्लॉप हो जाएंगे या कुछ नया धमाका यहाँ पर कर सकते हैं रिलायंस जियो? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगा ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।